देवी देवताओं की आरती के बाद क्यों बोलते हैं कर्पूर गौरम करुणा अवतारम मंत्र? हिंदू धर्म को मानने वाले श्रद्धालु मंदिरों में या घरों में होने वाली दैनिक पूजा विधान में देवी देवताओं की आरती पूर्ण होने के बाद कुछ वैदिक मंत्रों का उच्चारण अनिवार्य रूप से करते हैं। सभी देवी देवताओं की स्तुति के मंत्र भी अलग अलग हैं, लेकिन जब भी यज्ञ या पूजा संपन्न होती है तो उसके बाद भगवान की आरती की जाती है और आरती के पूर्ण होते ही इस दिव्य व अलौकिक मंत्र को विशेष रूप से बोला जाता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अर्थात शरीर कपूर की तरह गोरा है जो करुणा के अवतार हैं, जो शिव संसार के मूल हैं और जो महादेव सर्पराज को गले में हार के रूप में धारण किए हुए हैं, ऐसे हमेशा प्रसन्न रहने वाले भगवान शिव को मैं अपने हृदय कमल में शिव पार्वती को एक साथ नमस्कार करता हूँ। किसी भी देवी देवता की आरती के बाद कर्पूर गौरम करुणा अवतारम मंत्र ही क्यों बोला जाता है? इसके पीछे बहुत गहरे अर्थ छिपे हुए हैं। भगवान शिव की यह स्तुति शिव पार्वती विवाह के समय विष्णु द्वारा गाई हुई मानी गई है। अमूमन ये माना जाता है कि शिव शमशानवासी हैं। उनका स्वरूप बहुत भयंकर और अघोरी वाला है, लेकिन ये स्तुति बताती है कि उनका स्वरूप बहुत दिव्य है। शंकर को सृष्टि का अधिपति माना गया है। वे मृत्यु लोक के देवता हैं। उन्हें पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। पशुपति का अर्थ है संसार के जितने भी जीव हैं, मनुष्य सहित उन सभी का अधिपति। ये स्तुति इसी कारण से गाई जाती है कि जो इस समस्त संसार का अधिपति है वो हमारे मन में वास करे। शिव शमशानवासी हैं जो मृत्यु के भय को दूर करते हैं। हमारे मन में शिव वास करें, मृत्यु का भय दूर करें।